नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है YouTube चैनल मैथ्स वो में। आज जो इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत है, और स्पेशली उनके लिए खासकर जिन जो अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपेयर करना, या फिर जिनके GS समझ नहीं आता, बुक से रटते हैं लेकिन उनके समझ नहीं आ रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और ये जो सीरीज़ स्टार्ट किया गया इंडियन रिवर सिस्टम का, इसको लास्ट तक देखें तो उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं या फिर जो पूछे जा चुके हैं सारा इसमें कवर किया गया है। और ये आज फर्स्ट वीडियो है इस रिवर सिस्टम का, तो आप इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिवर सिस्टम से, सब कुछ आपको समझ वीडियो देखते ही आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और ये स्पेशली उनके लिए है जो स्टार्ट किए, मैंने पहले ही बता दिया है। तो चलिए, अब जो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट हो इस चैनल से तो आप तक पहुँच सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन रिवर सिस्टम। देखिए, इंडियन रिवर सिस्टम को कन्वीनियंट के लिए दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो हिमालयन रिवर, जो हिमालयन कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। इंडिया में कहाँ से कहाँ तक है हिमालय, जम्मू कश्मीर से लेके और हिमाचल अरुणाचल प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश तक इसका हिमालयन हिमालय जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है। उसका दूसरा जो है वो पेनिनसुलर रिवर है, जो इसको कि साउथ इंडियन रिवर्स भी बोल सकते हैं, जैसे MP से जैसे स्टार्ट हो जाता है, महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटका इन सब में जो रिवर फ्लो करती है उसको हम पेनिनसुलर रिवर या साउथ इंडिया। तो हमने इनको रिवर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हिमालय और पेनिनसुलर। तो हिमालय रिवर सिस्टम में जो ये जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बहुत सारे स्टेट्स पड़ते हैं, तो उनमें कैसे फ्लो करता है और कौन से रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या सोर्स है उसका, सारा कुछ हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये समझिए, इंडियन रिवर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिमालय रिवर और साउथ इंडियन रिवर या फिर पेनिनसुलर रिवर। अब जो सबसे पहला आज जो हमारा रहेगा फोकस, वो हिमालय रिवर सिस्टम पे हम अभी करेंगे। तो हिमालय रिवर सिस्टम पे को तीन पार्ट में हम कन्वीनियंट के लिए डिवाइड किए हैं, सिंधु रिवर सिस्टम या फिर इंदस रिवर सिस्टम इसको हम बोलते हैं, उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीन पार्ट में हम हिमालय रिवर सिस्टम को डिवाइड किए हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए। कौन कौन सा इंदस या फिर सिंधु इसको बोल लीजिए रिवर सिस्टम, या फिर गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आज के वीडियो में हम जो हमारा इस तीनों में से मेन फोकस है वो इंदस रिवर सिस्टम पे है, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे इस चैनल पे उसमें हम कवर करेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हम सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में। तो चलिए सिंधु रिवर सिस्टम का हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिंधु रिवर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। तीन रिवर ऐसी हैं जिसको हम इंटरनेशनल रिवर्स भी बोलते हैं, कौन कौन सी, सिंधु या फिर इंदस, सतलज और ब्रह्मपुत्र। दीज थ्री रिवर्स आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल रिवर्स। इंटरनेशनल रिवर्स इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो सोर्स स्टार्ट होता है वो कहीं और से होता है, और जो उसका डेस्टिनेशन है जो एंड करता है वो कहीं और करता है। जैसे कि सिंधु रिवर की हम बात करें, अगर इंदस रिवर की हम बात करते हो तो ये इसका चाइना इंडिया और पाकिस्तान तीन जगह ये फ्लो करती है। सतलज की बात करें तो सेम है ये चाइना इंडिया और पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो ये चाइना इंडिया और बांग्लादेश। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि कौन सा रिवर जो है वो इंडिया के अलावा बांग्लादेश में या फिर चाइना में फ्लो करता है, तो उसका ब्रह्मपुत्र है। और कौन सा रिवर है जो चाइना पाकिस्तान में अगर करता है ये पूछा जाए तो सतलज और सिंधु या फिर इंदस रिवर फ्लो करता है चाइना और पाकिस्तान दोनों में इंडिया के साथ साथ। तो इस तीनों रिवर को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिवर्स भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर को आप ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र का नाम जो है बार बार चेंज होता है हर कंट्री में जाके, तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, उसमें सारा क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो अब अभी ये समझ लें कि इन तीनों रिवर को इंटरनेशनल बोला जाता है, क्योंकि इनका किन किन कंट्री से ये फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्र कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है बांग्लादेश चाइना और इंडिया, सतलज और सिंधु का जो है इंदस का वो सेम जगह से फ्लो करती है चाइना इंडिया और पाकिस्तान। तो ये चीज़ था जो सिंधु रिवर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले ये तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि इंटरनेशनल रिवर्स इसको बोला जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम देखें
सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र का। इत्तेफाक की बात है कि ये तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ओरिजिन जो है या सोर्स है, वो एक ही जगह से है, मानसरोवर लेक जो है तिब्बत में, वहाँ से इसका ओरिजिन है। इन तीनों रिवर का ओरिजिन मानसरोवर लेक तिब्बत से ही हुआ है। और ये तीनों रिवर ऐसे थे जो कि हिमालय से पहले ये रिवर तीनों बन चुके थे, हिमालय के उठने से पहले ये तीन रिवर आ चुके थे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम का। तो देखिए, मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है, मतलब कि सहायक नदी की बात करें अगर हम इंडस रिवर की, तो मेजर पांच है, छठा जो है वो इंडस रिवर खुद है। तो टोटल जो है इसके, अगर सहायक नदी की हम बात करें तो इसके पांच सहायक नदी हैं। तो ये देखिए कैसे है, झेलम सबसे पहले, उसका चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इससे भी ये क्वेश्चन बनता है कि, और ये जो पांचों रिवर हैं ये पंजाब से फ्लो करते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है कि स्टेट विथ फाइव रिवर, तो इसका आंसर होगा पंजाब। या फिर ये पूछ सकता है इनमें से कौन सी नदी पंजाब से नहीं बहती है। चार ऑप्शन रहेगा, तीन का रहेगा और एक चौथा कोई भी दिया जा सकता है। तो ये चीज़ आप इसको याद कर ले, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पांच सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है इंडस रिवर सिस्टम की, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, सिंधु रिवर सिस्टम की ये सहायक नदी है ये पांचों। और ये पांचों जो है ये लेफ्ट साइड से, मतलब कि वेस्ट ईस्ट साइड से, लेफ्ट साइड से इनको मिलती है। कहाँ, किस में मिलती है, इंडस रिवर से ये मिलती है। तो ये पांच सहायक नदी थी किसकी, इंडस रिवर की, मतलब कि सिंध रिवर की नदी की, ये पांच सहायक नदी थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये जो पांचों सहायक नदी की बात की गई थी अभी, तो वो उनका सोर्स कहाँ है, कहाँ से इनका उद्गम है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं इंडस और सतलज। इंडस और सतलज जो है, या फिर सिंधु और सतलज की बात करें हम, तो इनका जो सोर्स है एक ही जगह से, ये दोनों सोर्स है मानसरोवर लेक से तिब्बत में जो है वहां से इनका सोर्स है। झेलम नदी की अगर हम बात करें तो झेलम का जो सोर्स है वो जम्मू एंड कश्मीर से है। उसके बाद हम चेनाब नदी की बात करते हैं, तो चेनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश से जो है इसका ओरिजिन है, और ये बड़ा लच्छाला जगह है, पास है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और रावी और ब्यास की बात करें तो ये दोनों भी हिमाचल प्रदेश से है और रोहतांग पास के पास से इसका सोर्स है। तो चेनाब, रावी और ब्यास तीनों जो है हिमाचल प्रदेश से ही इसका सोर्स है। और इंदस सतलज की बात करें तो मानसरोवर लेक से इसका है ओरिजिन, या फिर सोर्स बोल लें, और झेलम, सोर्स बोलिए, और झेलम की बात करें हम तो ये जम्मू और कश्मीर से। तो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है, झेलम किस नदी के किनारे पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर। या फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है कि लेह, लेह शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो भी झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है। लेह, लेह शहर का नाम आप सुने होंगे, तो ये काफ़ी बार देखा गया है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेह शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये झेलम है। तो ये छह नदी का आपको ओरिजिन सोर्स पॉइंट आपको ये याद कर लीजिएगा, आप कहीं लिख लें इसको, या फिर इसको एक जगह पे वीडियो को देख लें दोबारा, तो आपको ये ध्यान रह जाए। उसके लॉन्गेस्ट रिवर की एक बार हम बात कर लेते हैं इंडिया की, तो सबसे पहले जो है वो ब्रह्मपुत्र है, जो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद इंडस रिवर या फिर सिंधु रिवर की हम बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा है उसके बाद 2525 किलोमीटर। उसके बाद सतलज 1500 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर। तो गोदावरी को ही जो है साउथ इंडिया का या फिर पेनिनसुलर रिवर का सबसे बड़ी नदी भी बोला जाता है, गोदावरी को, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यमुना, यमुना जो है वो सहायक नदी है गंगा की, और इसका जो ये छठे नंबर पे आता है, और इसका जो लंबाई है वो है 1385, 1385 किलोमीटर। ये इसका, ये कहीं आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा हो तो आप इसको पॉज करके देख लीजिए, या फिर आप सुनने से भी काफ़ी फर्क पड़ता है, तो आप इसको ध्यान से सुन ले, दोबारा भी चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आज के लिए था कि सिंधु रिवर सिस्टम के या इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो आपने कभी हाल में सुना होगा कुछ दिन पहले कि अभी कुछ विवाद हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, तो इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, ये देखिए, इंडस रिवर आपको देखे थे कि चाइना से इसका स्टार्टिंग होता है, तो ये एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, कि कौन कितना पानी यूज़ करेगा इंडस रिवर का, वाटर सिस्टम का। तो इसमें एग्रीमेंट में ऐसा दिया गया कि इंडिया जो है वो सिंधु, झेलम और चेनाब का 20% पानी यूज़ करेगा, और रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी इंडिया यूज़ करेगा, और बाकी का जो है सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पाकिस्तान करेगा, और रावी, ब्यास और सतलज का 20% जो है वो
पाकिस्तान यूज़ करेगा, तो इस हिसाब से ये एग्रीमेंट दिया गया था। तो इसी हिसाब से चलता है कि कौन कितना पानी यूज़ करेगा। ये क्वेश्चन भी कभी बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्ज़ाम में कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया पाकिस्तान में किन दो कंट्री के बीच में साइन हुआ है, और ये जो है किसके कब ये फॉर्म किया गया था, ये एग्रीमेंट कब साइन किया गया था। तो ये 1960 में इसको जो है वो फॉर्म किया गया था। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको फास्ट लगा होगा वीडियो वीडियो तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं या फिर कहीं पे नोट कर लें, और किसी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो इसके इससे आज जो टॉपिक था सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो में दिया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी कमेंट आप करना चाहते हो, कोई सजेशन, तो प्लीज़ कमेंट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर सकूं या फिर आपके कमेंट का आंसर दे सकूं।